आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हॉस्पिटल का जो इनकम्बेंसी बोर्ड है, कुछ इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर लिखी हुई है, और ये डॉक्टर साहब का ऑफिस है, ये ऑफिस बिल्कुल नज़र आ रहा है। हम हॉस्पिटल की और चीज़ें दिखाते हैं जहाँ पशुओं को यहाँ लाया जाता है। ये देखिए पीछे दिखाइएगा बैक साइड में, यहाँ पशुओं की चिकित्सा होती है। में आज हम आए हैं और डॉक्टर सुधीर मलिक जो बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, वेटनरी सर्जन हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये क्या है ये? ये कैटल क्रश है सर। हाँ, ये एनिमल को हैंडल करने के लिए किया जाता है, क्योंकि एनिमल अगर फ्यूरियस है तो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको इजी टू हैंडल करने के लिए कैटल क्रश में उसको लाया जाता है, जिससे कि वो आसानी से जो भी कार्य है उसका हमने करना है, उसको कृत्रिम गर्भाधान करना है, उसको चिकित्सा देनी है, ताकि वो हम भी ऐसा महसूस ना करें, चोट लगने का खतरा ना रहे, और एनिमल भी आसानी से काबू में आ जाए, जिससे कि हम जो अपना कार्य करना चाहते हैं वो सुचारू रूप से अच्छे ढंग से जो कार्य किया जाए, चलो बगैर किसी चोट। आइए डॉक्टर साहब से खुल के बात करेंगे हम। यहाँ हम अपनी हाइजीन रखते हैं, ह्यूमन हाइजीन रखते हैं। हम जब थोड़ा सा बुखार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन पशुधन बहुत एक अहम है। पशु हमारी रोजिका का भी साधन बनता है, जीविका का भी साधन बनता है, और पशु एक प्राणी है जिसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी बनता है, देखभाल करना हमारा कर्तव्य भी बनता है। आज हम वेटनरी हॉस्पिटल हांसी में हैं और वेटनरी सर्जन डॉक्टर सुधीर मलिक जो कि वर्षों से यहाँ कार्यरत हैं, एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, उनसे जानते हैं कि वेटनरी विभाग में एक VS की क्या ड्यूटी होती है, VLDA की क्या ड्यूटी होती है, और उनके नीचे कौन कौन से कर्मचारी होते हैं, और पशुओं की किस तरह की स्कीमें आती हैं एनिमल्स को लेके इस विभाग में, और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, और पशुधन को हम कैसे महफूज रखें या सुरक्षित रखें, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर मलिक जी, फांसी की आवाज़ मीडिया पर आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सुधीर मलिक जी, वेटनरी सर्जन GVA झांसी, और मेरी जो पोस्टिंग है यहाँ वो लगभग 2.5 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। फरवरी में मेरे को यहाँ पे कार्य करते हुए 3 साल हो जाएंगे। मेरी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वेटनरी सर्जन के लिए वो BBSC and AH है, और मैं आज आपके चैनल पे आपने मेरे को आमंत्रित किया है, मेरे से इस बारे में आपने। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हम सीधे सीधे आपसे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, पशु बोलता नहीं। हाँ जी, हमारी जो बफेलोज हैं, भैंस हैं, गाय हैं, गौशालाएँ हैं, वो बोलती नहीं। हाँ जी, सर्दी में या गर्मी में जब भी उनको तकलीफ होती है तो उनको कौन, यानी कि कैसे पता लगता है, सिम्टोमेटिक कैसे पता लगता है कि वो बीमार है या कैसे? हाँ जी, अब जैसे आपने बताया कि पशुधन किसान का बहुत ही बड़ा आजीविका का और रोजगार का एक आज के समय में एक साधन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब खेती किसी वजह से नहीं हो पाती है, मौसम की वजह से लगा लो या किसी और पल्ले की वजह से लगा लो, उस खेती को अगर नहीं हो पाती है तो उसके एवज में एक पशुधन ऐसा साधन है जो एक गरीब और किसान वर्ग की आजीविका का बहुत बड़ा साधन बनता है। अब रही बात उनको कैसे हम मैनेज करें, कैसे हम उनके बारे में एग्जीक्यूट करें, कैसे हम हैंडल करें, जैसे आप पूछना चाह रहे थे कि उनको हम कैसे उनके बारे में पता लगाएंगे कि ये बीमार हैं या वो नहीं हैं। जैसे ही वो एनिमल जो है बीमार होगा, सबसे पहला लक्षण है उसको सुस्ती आएगी, वो खाना पीना छोड़ देगा। जी जी जी, वो बिल्कुल चरना छोड़ देगा। उसके बाद वो धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे वो है डाउन होता चला जाएगा। जी जी जी, अब बात आई कि हमारे को कैसे पता लगेगा। हाँ हाँ, जो आदमी पशुपालन में अपनी रुचि रखते हैं और जो आदमी पशु रखते हैं उनको उनके बिहेवियर से ही पता लग जाता है। जैसे हम इंसानों में, जैसे आपने बात की भाई, हम इंसानों में तो अपनी देखभाल करते हैं, हमारे को पता लग जाता है,
हम जब किसी इंसान से मिलते हैं वो हमारे को हंसते हुए अच्छे से मिलता है, अच्छे से बात करता है, तो हमारे को लगता है कि वो सही है। लेकिन वैक्सीनेशन होते हैं इनके भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके वैक्सीनेशन होते हैं। वैक्सीनेशन लार्ज एनिमल्स में भी होते हैं और स्मॉल एनिमल्स में भी होते हैं। बफलोज में और कैटल्स में HS का वैक्सीनेशन होता है, FMD का। पहले तो HS और FMD अलग अलग लगती थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि HS और FMD होती क्या है। HS एम्ब्रेजिक सेप्टिसीमिया, जिसको हम हिंदी भाषा में गलघोटू की बीमारी बोलते हैं, जिसके गला घुटने से उसके इन्फेक्शन से जो है तुरंत जानवर की मौत हो जाती है। मुंह खोर भी बोलते हैं वो, फूट एंड माउथ डिजीज है। दूसरी जो वैक्सीनेशन होता है वो मुंह खुर का होता है, फूट एंड माउथ डिजीज का। इनके वैक्सीनेशन 6-6 महीने की इम्यूनिटी होती है, साल में 2 बार, बारिश से पहले और सर्दियों से पहले उसका वैक्सीनेशन एनिमल्स का हम करवाते हैं। डॉक्टर साहब, आपके यानी कि डिपार्टमेंट में एस्टेब्लिशमेंट कितनी है, क्या स्टाफ पूरा है? हमारे डिपार्टमेंट में अभी कुछ कमी है, बाकी लगभग स्टाफ पूरा है। बाकी कुछ हॉस्पिटल्स में अभी ग्रुप डी एम्प्लॉयज की, VLDAs की, उनकी स्टाफ की अभी कमी है। लेकिन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की कुछ ट्रेनिंग दी? हाँ जी हाँ जी, अब गवर्नमेंट ने अभी पिछले साल डी ग्रुप के काफ़ी बच्चे सिलेक्ट किए थे और हिसार डिस्ट्रिक्ट को लगभग 80 के करीब जो है ग्रुप डी एम्प्लॉयज पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट को मिले थे, और जिसमें से के हमारे को भी, आसी सब डिवीजन को भी 21 ग्रुप डी एम्प्लॉयज जो मिले। ग्रुप डी एम्प्लॉयज को बेसिक कार्य क्या होगा? हाँ जी, आज ग्रुप डी एम्प्लॉयज का अभी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ है और मैं एज ए मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग करके आया था ग्रुप डी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए। और आज पहला बैच जो है ग्रुप डी का, जो कि 6 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और आज 16 नवंबर को ख़त्म हुआ है, मैंने 10 ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी है और मंडे से एक बैच मेरा दोबारा शुरू हो जाएगा। अभी मेरे 3 बैच कंटिन्यू चलेंगे। हासी और नारनोंद का मेरे को मास्टर ट्रेनर बनाया है। आपके यहाँ किस तरह की स्कीम्स आती हैं? हाँ, अब आई फार्मर्स के लिए पशुपालन डिपार्टमेंटल स्कीम्स की बात, जहाँ तक आपका उसकी बात है मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। बिल्कुल, डिपार्टमेंटल स्कीम्स में हमारे सबसे पहले स्कीम होती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेयरी यूनिट, स्वरोजगार देने के लिए। जो बेरोजगार जो व्यक्ति है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या आप स्वरोजगार जो बोल सकते हो, उनको स्वरोजगार देने के लिए सरकार ने बहुत तरह की स्कीमें चलाई हुई हैं, जिसमें सबसे पहली स्कीम आती है डेयरी यूनिट एस्टेब्लिशमेंट की। डेयरी यूनिट एस्टेब्लिशमेंट में अलग अलग स्कीम्स होती हैं, जिसमें 50 एनिमल्स की यूनिट का भी होता है एस्टेब्लिशमेंट, 20 एनिमल्स की यूनिट होती है, 10 एनिमल्स की यूनिट होती है, 5 एनिमल्स की यूनिट होती है, 3 एनिमल्स की यूनिट होती है और एक SC/ST की यूनिट होती है। इसमें बेनिफिट सिर्फ ये होता है कि जो SC/ST की यूनिट एस्टेब्लिश की जाती है उसमें 50% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। टोटल जो लोन उसका सेंक्शन हुआ है, जो एनिमल की जो कीमत उसकी, उसके बाद एक स्कीम आती है ये चिकन्स वगैरह होते हैं। हाँ जी, वो भी मैं उस पर आऊँगा। दूसरा, जो जनरल कैटेगरी के लिए हमारी जो डेयरी यूनिट की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जनरल कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट ने पहले 25% सब्सिडी देते थे जनरल कैटेगरी को, अब गवर्नमेंट ने उस पैटर्न को चेंज करके बहुत ही अच्छी योजना लागू की है, जिसमें 5 साल तक पूरा ब्याज, जो साल में पूरा ब्याज लगेगा वो गवर्नमेंट उसको एक्सेस देगी अप टू 5 ईयर्स, 100% ब्याज जो है वो सरकार जो। क्या एनिमल्स के बीमे भी होते हैं? बिल्कुल, एनिमल्स के बीमे होते हैं। सरकार की HIBL के सहयोग से जो है बीमा की भी योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें कि जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके जानवर का बीमा फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। क्या एनिमल्स के लोन भी होते हैं? एनिमल्स की लोनिंग भी होती है। वो डेयरी यूनिट्स जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो डेयरी यूनिट एस्टेब्लिशमेंट इस लोनिंग का ही वो पार्ट होता है, और उसके लिए खाली एनिमल्स में बफलो ही नहीं, कैटल्स की भी होती है, जिसमें 50% जो है सरकार, मतलब अपनी इंडिजिनस ब्रीड को बढ़ावा देने के लिए, हमारी स्वदेशी जो प्रजाति है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने योजना जो रखी है, वो साहिवाल और हरियाणा गाय की, उस पर भी 50% जो है सब्सिडी हमारी गवर्नमेंट जो है। हैचरी के लिए क्या करते हैं? हैचरी के लिए जो होता है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई हुई है हैचरी के लिए, 50 बर्ड्स, 50 चूजे और साथ में 2 ड्रिंकर
और दो फीडर, वही स्वरोजगार योजना के तहत वो इंसान को देती है जिससे कि वो अपना रोजगार बना सके। पिगरी यूनिट सरकार की स्कीम है जिसमें पिगरी यूनिट जो है स्वरोजगार के लिए दी जाती है, जिसमें के पांच जो फीमेल होती हैं और एक मेल सुअर होता है। ये सर इंफॉर्मेटिव रहा, मैं एक समाज से बात करता हूँ। ये स्टे कैटल हैं, स्टे काउज हैं, हाँ जो हम आस्था का हमारा विषय भी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें गायें विष्ठा भी खाती रहती हैं और पॉलिथीन भी खाती हैं, और इसमें हमारी भी कोई अकाउंटेबिलिटी है क्या? हमारी बिल्कुल उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी बनती है। हर जैसे इंसान की सेवा करना इंसान का धर्म है, तो पशु सेवा भी एक प्रभु सेवा है अगर इंसान इसको माने तो। और हम हमेशा ये चाहते हैं कि जितने भी स्ट्रे कैटल्स हैं वो सारे के सारे गौशालाओं में और नंदीशालाओं के माध्यम से वो सड़कों से ले लिए जाएं और गौशाला में और नंदीशाला में उनको छोड़ दिया जाए। नंदीशालाओं में गौशालाओं में अपने डिस्पेंसरी होती है? हाँ, हरेक नंदीशाला और गौशाला में डिस्पेंसरी नहीं होती, लेकिन हमारी हांसी की जो हरियाणा गौशाला है उसमें हमारी वेटनरी डिस्पेंसरी है, और बाकी जो गौशालाज होती हैं उनको देख रेख के लिए जो है मतलब पशुपालन विभाग हमेशा तैयार रहता है, और हमारे जो GVH की टीम है वो हमेशा तैयार रहती है हर तरह के सहयोग के लिए। और सरकार की विभिन्न योजनाएं आती रहती हैं, और शायद अभी सरकार ने दोबारा उस पे मुद्दा के लिए मीटिंग कॉल की है, उसके लिए कमेटियां गठित की जा रही हैं, जिससे कि जितने भी स्ट्रे कैटल जो आवारा पशु सड़कों पे घूम रहे हैं उन सभी आवारा पशुओं को आवारा ना रख के उनको एक सहारा दिया जाए, जिसके लिए सभी गौशालाओं को और नंदीशालाओं को जो है आदेशित किया जाएगा। पिछले वर्ष पिछली योजना में हमने हांसी शहर से 200 से ज़्यादा एनिमल्स को हमने डोबी गौशाला में शिफ्ट किया था नगर निगम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर सुधीर मलिक जी, वेटनरी सीनियर वेटनरी सर्जन हैं यहाँ हांसी के ये हॉस्पिटल वेटनरी हॉस्पिटल में। इन्होंने सभी बातों पे अपना प्रकाश डाला, खासकर जब हमने इनके एक सामाजिक विषय पे बात की कि गौएं जो हैं जो स्ट्री रहती हैं घूमती रहती हैं, तो उनके लिए इन्होंने कहा कि ये हमारा एक दायित्व बनता है, और उन्होंने अपनी विभिन्न स्कीमों के बारे में भी एलोबरेट किया, एनिमल को लेकर, चूजों को लेकर और लोनिंग के बारे में भी किया, और खासकर डी ग्रुप की जो उन्होंने ट्रेनिंग दी है उसके बारे में किया। डॉक्टर सुधीर मलिक आपका बहुत 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 धन्यवाद साहब। आपने आप बहुत अच्छा बोलते हैं, और आपने सारी सारी डिपार्टमेंट की स्कीम्स का एलोबरेट किया है। आपका हमें भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं मेरे सीनियर साथी अजय सैनी जी जो एडिटर हैं, राजीव बंसल, आपसे विदा चाहता हूँ। विदा इसलिए चाहता हूँ और एक आपसे वादा भी चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हांसी की आवाज़ चैनल को। हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स आपको देते रहेंगे, और आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं फिर एक नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार।